हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। इसका पहला पार्ट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हमने पहले मूवी में देखा था कि अर्थ पर कुछ ऐसे एलियंस जीवों ने हमला किया जो देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति जबरदस्त थी। उनकी वजह से बचे हुए लोग बिना कोई आवाज किए एकदम सन्नाटे में रहने लगे थे। ऐसी ही एक अबॉट फैमिली जिसमें ली और एवलिन अपने बच्चों रैग, मार्कस और ब्यू के साथ क्रीचर से बचने की कोशिश कर रही थी। पिछली मूवी में हमने देखा कि एवलिन एक और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ली अपनी फैमिली को बचाने के लिए मारा जाता है। उस मूवी के एंड में रेगन, जो कि सुन नहीं सकती थी, उसने किसी तरह अपनी हेयरिंग मशीन से उन क्रीचर्स को रोकने का तरीका ढूंढ लिया। तो इस मूवी में हम उनकी आगे की स्टोरी देखेंगे। पार्ट 2 की कहानी पिछली मूवी से एक साल पहले की है, मतलब डे 1 की, जब वो एलियंस पहली बार धरती पे आए थे। वहाँ हम एक बिल्कुल नॉर्मल वर्ल्ड देखते हैं, जहाँ पूरी अबॉट फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ एक बेसबॉल गेम एंजॉय कर रहे हैं। यही हमें उनका फ्रेंड एमिट और उसका बेटा भी दिखाई देता है। तभी वहाँ आसमान से एक आग का गोला धरती की तरफ आता दिखता है और सभी लोग डर कर वापस जाने की तैयारी करते हैं। ली भी अपनी फैमिली को वहाँ से निकालता है और तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स वहाँ शहर पर हमला करते हैं। जल्दी ही पता चल जाता है कि एलियंस बहुत तेज और ताकतवर है और इनकी स्किन पर हथियारों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो एक कवच की तरह सख्त हैं। वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि इन क्रिएचर्स को दिखाई नहीं देता और यह सिर्फ आवाज सुनकर अट्रैक्ट होते हैं। आगे के कुछ सीन में हम ली और उसकी फैमिली को इन क्रिएचर से बचते हुए देखते हैं और तभी सीन ट्रांजिशन होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यहाँ हम एवलिन और उसके बच्चों को देखते हैं जो अपने पुराने घर को जलता हुआ देख रहे हैं। उन्हें यह जगह छोड़कर किसी और सेफ जगह जाना होगा। वो लोग पुराने घर से अपना जरूरी सामान लेते हैं, जैसे एवलिन अपने बेबी के लिए बनाया एक बॉक्स जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, और रेगन एक माइक्रोफोन स्पीकर जिसे यूज करके वो उन क्रिएचर्स को रोक सकती है। आगे रेगन को दूर एक जगह आग जलती हुई दिखाई देती है और वो सब लोग उस तरफ चल देते हैं। वो लोग एक फैक्ट्री एरिया में आते हैं, जहाँ एक रस्सी को छूते ही एवलिन से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे काफी तेज आवाज होने लगती है। वो समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर्स किसी भी वक्त अब आ जाएंगे और वो भागना शुरू करते हैं। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो उन्हें लगातार एक स्कोप से देख रहा है। मार्कस, जो सबसे आगे था, उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। एवलिन किसी तरह उसे चुप कराती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिएचर भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और यहाँ रेगन तुरंत अपने हेयरिंग एड को स्पीकर से कनेक्ट कर देती है और उसे फुल वॉल्यूम में चला देती है। इस एड से निकलती आवाज से वो क्रिएचर बौखला जाता है, जिससे उसके सिर का कवच हट जाता है और अंदरूनी हिस्सा बाहर आ जाता है। तभी एवलिन अपनी गन से उसे शूट करती है, जिससे वो मारा जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि इनकी बाहर की स्किन तो सख्त है, लेकिन अंदर से कमजोर है और इन्हें मारने के लिए बस एक गोली ही काफी है। आगे वो भागते हुए इस फैक्ट्री में आते हैं, जहाँ एमिट नाम का आदमी उन्हें एक और क्रिएचर से बचाकर अपने बंकर में ले जाता है। पता चलता है कि एमिट उनका फैमिली फ्रेंड है और वो ही उन्हें फॉलो भी कर रहा था। एमिट की वाइफ और उसके बच्चे मारे गए हैं और वो किसी तरह इस बंकर में छुपकर अपना टाइम बिता रहा है। यही एक एयर टाइट चैम्बर भी है, जिसका दरवाजा ये लोग कभी भी पूरा बंद नहीं करते, वरना वो सील हो जाएगा। वो लोग उसमें जाने से पहले एक कपड़ा उसके हैंडल पर फंसा देते हैं। एवलिन इसी चैम्बर में मार्कस के घाव को ठीक करती है ताकि उसकी चीखे बाहर ना जा पाए। एमिट उन लोगों को वहाँ नहीं रखना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन घटनाओं ने उसे सेल्फिश बना दिया है। तब एवलिन उसे अपना बेबी दिखाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें यहाँ रहने दे। एमिट को उन लोगों पर तरस आ जाता है और इस तरह वो लोग उसके साथ बंकर में रहने लगते हैं। आगे के एक सीन में हम देखते हैं कि मार्कस और रेगन को रेडियो पर एक बहुत ही फेमस गाना सुनाई देता है, जिसका नाम है बियॉन्ड द सी, यानी समुद्र के उस पार। एमिट बताता है कि वो ये गाना कई महीनों से सुन रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेगन को लगता है कि ये गाना एक तरह का मैसेज है जो बचे हुए लोगों को किसी जगह आने को कह रहा है। वो मार्कस को एयरटाइट चैम्बर में ले जाती है और अपना प्लान समझाती है। उसने एक रेडियो बुक की मदद से उस सिग्नल की लोकेशन पता कर ली है, जो एक आइलैंड है। वो उसे बताती है कि कैसे वो अपने हेयरिंग एड और उस रेडियो टावर की मदद से लोगों को उन क्रिएचर से बचा सकती है। मार्कस उसे बताता है कि ऐसा करने में बहुत खतरा है और उसे जाने से मना करता है। अगले दिन वो सोकर उठता है और देखता है कि रेगन जा चुकी है। वो रेडियो पर एक मैसेज देखता है जिस पर लिखा है कि इसे सुनते
रहना। एवलिन को इसका पता चलता है और वो एमिट से रेगन को वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है। वो पहले तो मना करता है लेकिन फिर उसे लाने उसके पीछे जाता है। आगे के सीन में हम रेगन को देखते हैं जो बंदूक और स्पीकर लेकर आगे बढ़ रही है। वो ट्रैक पे चलते हुए एक ट्रेन की बोगी में आती है जहाँ उसे एक फर्स्ट एड किट दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे उठाती है वहाँ एक मुर्दा उस पर गिरता है और उसकी चीख निकल जाती है। ये आवाज सुनकर वहाँ एक क्रीचर आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रेगन तुरंत अपने हेयरिंग एड को स्पीकर पे लगाकर तेज आवाज करती है जिससे उस क्रिएचर का फेस खुल जाता है। वो उसे शूट करती है लेकिन सही से निशाना नहीं लगा पाती। वो क्रिएचर उसे मारने आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ एमिट आता है और उस क्रिएचर को मारकर उसे बचा लेता है। उन्हें पता है कि गोली की आवाज सुनकर और भी क्रिएचर्स वहाँ आते होंगे, इसीलिए वो पास के एक स्टेशन में छुप जाते हैं। एमिट उसे घर वापस चलने को कहता है लेकिन रेगन मना करती है। वो जानती है कि कहीं ना कहीं एमिट इस बात से दुखी है कि वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया और इसीलिए रेगन उसे अपनी मदद करने को कहती है। एमिट मान जाता है और उसे बताता है कि उसने यहाँ आते हुए कुछ बोट्स देखी थी जो उनकी आइलैंड तक जाने में हेल्प कर सकती है। इधर बंकर में एवलिन देखती है कि बेबी का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और मार्कस के लिए भी उसे कुछ पेन किलर चाहिए। वो ये सब सामान लेने बाहर जाती है और मार्कस को समझाती है कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि एवलिन अपने बेटे ब्यू की याद में बनाए मेमोरियल पर जाती है जो पिछली मूवी में मारा गया था। वहाँ वो फार्मेसी में जाकर कुछ दवाइयाँ और दो ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लेती है। बंकर में मार्कस बेबी को संभालने लगता है लेकिन जल्दी ही बोर हो जाता है। वो बेबी को बॉक्स में रख कर ऑक्सीजन को ऑन कर देता है और खुद ऊपर फैक्ट्री को चेक करने चला जाता है। एक रूम में आने पर उसे एमिट की बनाई काफी सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो उसके बेटे की हैं। आगे बढ़ने पर एक पर्दे के पीछे उसे एमिट की वाइफ की बॉडी दिखाई देती है। डर के मारे उससे वहाँ काफी सारी चीजें गिर जाती हैं। वो भागता है और वापस बंकर में घुस जाता है लेकिन एक क्रीचर उसके पीछे अंदर तक आ जाता है। मार्कस बेबी को लेकर उस एयरटाइट चैम्बर में चला जाता है लेकिन हैंडल पर कपड़ा लगाना भूल जाता है जिससे वो चैम्बर बाहर से सील हो जाता है। एयरटाइट होने की वजह से अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। मार्कस बेबी को अपनी सांसों से ऑक्सीजन देता है लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। एवलिन वापस आती है और वहाँ क्रीचर की आवाज़ सुनकर सब समझ जाती है। वो गोली चलाकर क्रीचर को बाहर बुलाती है जहाँ वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट कर देती है। आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ती लेकिन शायद एवलिन का प्लान ये नहीं था। तभी वहाँ लगा स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। अब हमने पिछली मूवी में देखा था कि ये क्रीचर्स पानी के शोर में और कोई आवाज नहीं सुन सकते। इस बात का फायदा उठाकर एवलिन नीचे आती है और एयरटाइट चैम्बर का दरवाजा खोल देती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर वापस अंदर आ जाता है। इधर हम एमिट और रेगन को देखते हैं जो उस मरीना तक आ पहुंचते हैं और एक बोट को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। एमिट को उसके पास जाके पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और देखते ही देखते वहाँ काफी सारे जंगली लोग आ जाते हैं। पता लगता है कि ये लोग छुप कर रहते हैं और भटके हुए लोगों को लूटते हैं। वो उन्हें पकड़ लेते हैं और रेगन को लेकर जाने लगते हैं। तभी एमिट जानबूझकर शोर करता है जिससे क्रीचर्स वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों पानी में कूदकर बच जाते हैं और क्रीचर्स उन जंगली लोगों को मार डालते हैं। एक बोट पर खड़ा क्रीचर एमिट के पीछे कूदता है लेकिन डूबकर मारा जाता है। यहाँ समझ आता है कि ये पानी में नहीं तैर सकते। आगे वो लोग उस आइलैंड पर आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वहाँ का लीडर उन्हें बताता है कि कैसे गवर्नमेंट को पता चल गया था कि वो क्रीचर्स तैर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने जितने हो सकते उतने लोगों को बोट के जरिए अलग अलग आइलैंड पर भेज दिया। वो उन्हें बताता है कि रेडियो पर वो सॉन्ग भी इसीलिए चलाया जा रहा था ताकि लोग इस मैसेज को समझ सके। यहाँ एमिट उसे रेगन की हेयरिंग एड के बारे में बताता है कि कैसे उससे निकली आवाज से वो क्रीचर्स कमजोर हो जाते हैं और फिर उन्हें मारा जा सकता है। अगले दिन बीच पर एमिट को एक बोट से कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि ये वही बोट है जो मरीना पर थी। वो समझ जाता है कि एक क्रीचर बहता हुआ यहाँ तक आ गया है। इससे पहले कि वो सबको सावधान कर पाए वो क्रिएचर वहाँ हमला कर देता है। वो लोग प्लान बनाते हैं और लीडर अपनी गाड़ी से एमिट और रेगन को लेकर रेडियो टावर की ओर जाता है। गाड़ी की आवाज से क्रिएचर भी उनके पीछे आता है और उन पर हमला करता है।
वो किसी तरह उसे बचते हुए रेडियो टावर तक आते हैं, जहां वो क्रीचर आइलैंड के लीडर को मार डालता है। एमिट और रेगन उसे बचते हुए रेडियो टावर के अंदर आ जाते हैं। वो क्रीचर भी उनके पीछे आकर एमिट को घायल कर देता है। रेगन रेडियो रूम तक आ जाती है और देखती है कि वो क्रीचर उसी की तरफ आ रहा है। उधर बंकर में एवलिन दवाइयों का बैग लेने बाहर जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद क्रीचर उसके पीछे एयरटाइट चैम्बर तक आ जाता है और उन पर हमला करता है। तो यहाँ हम दोनों सीन्स को साथ साथ देखते हैं, जहाँ दोनों तरफ वो क्रीचर्स उन पर हमला कर रहे हैं। तभी रेगन रेडियो ऑन करती है और अपना हेयरिंग एड उससे लगा देती है। उससे निकली आवाज से वो क्रीचर बौखला उठता है और रेगन एक रोड से उसे मार डालती है। बंकर में भी मार्कस को रेडियो पर हेयरिंग एड की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आवाज को तेज कर देता है। आगे वो वहाँ रखी बंदूक से उस क्रीचर को मार डालता है। तो दोस्तों, पहली मूवी में हमने देखा था कि ली अपने बच्चों को हमेशा अपने डर का सामना करने को कहता था, और इस मूवी में दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोनों ने अपने डर से ऊपर उठकर अपनी फैमिली को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और वो उसे करने में कामयाब भी हुए। लेकिन अभी भी जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो क्या वो लोग हेयरिंग एड की मदद से उन क्रीचर्स को बड़े पैमाने पर चुनौती दे पाएंगे, या फिर वो क्रीचर्स भी उनसे मुकाबला करने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालेंगे? इन सवालों का जवाब तो हमें थर्ड पार्टी दे सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट्स में बताएं। और जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।